Assalamu alaikum students, how are you all? Hope you are all fine, stay blessed. Now let's get started over today's lesson. Week number 2, page number 2, period number 12, parts of speech, workbook page number 24 to 27. We have done page number 24, now come to the page number 25. This is adjective definition, adjective. Adjective, it is used to describe a noun. Okay, ye sari qualities batata hai noun ke baare mein. For example, what kind it is, matlab short, skinny, dog, okay? What qualities has it got? Beautiful flower. Which one is it? Old white house. How many there are? Three. ठीक है, यानी कि आपको numbers भी बताएगा, उसकी उसकी तमाम qualities बताएगा, color बताएगा. What color is it? Bright red ruby. How does it sounds, taste, look like and feel and smell. ये सारी चीज़ें adjective में आ जाएंगी. ठीक है, अच्छा उसके बाद आ जाता है हमारा एडवर्ब. एडवर्ब टेल्स मोर अबाउट अ वर्ब, यानी वर्ब कैसे हमने कैसे हैपन हुआ है और हमने किस तरह से काम किया वो सारा एडवर्ब बताता है. एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब, एडजेक्टिव के बारे में भी बताता है ये और एडवर्ब को भी मज़ीद बताता है यानी डिफाइन करता है. इट आंसर्स दिस क्वेश्चन व्हेन, वेयर, हाउ, हाउ मच एंड व्हाई. ठीक है, मतलब बताता है how things are done, जैसे modify a verb, walk, lazily, modify an adjective, really important. ठीक है, and modifies an other adverb, very slowly. ठीक है, जैसे very slowly इसको modify कर रहा है. slowly जो है वो हमारा बहुत जो है वो हमारा वो है adjective है, तो उसको ये define कर रहा है. okay, pronoun it is used in place of noun. प्रोनाउन आप सबको पता है कि नाउन की जगह पर यूज किया जाता है, एंड इट जस्ट कट शॉर्ट द रिपीटिशन ऑफ द नाउन और सेम वर्ड. रिप्लेस अ नाउन, जैसे आई, वी, यू, दे, मी, ओवर, योर, देम, ही, शी, इट. ठीक है, ये सारे जो हैं वो इसमें आ जाते हैं प्रोनाउन में. अब आप लोगों ने क्या करना है, आपने इसको अच्छे से याद कर लेना है इन तीन डेफिनेशंस को, और इसकी मज़ीद एग्जाम्पल्स ढूंढ कर आप अपनी रफ नोटबुक पर इसकी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं. स्टे ब्लेस्ड.